आईसीयू में, आईसीयू में, अरे आईसीयू दिखा रहे हैं। हमारा पूरा बंदोबस्त है और हमारी योद्धा टीम जो है कोरोना योद्धा टीम वो भी पूरी तरीके से तैयार है। ये बाखूबी आप देख रहे हैं, यही लोग कोरोना के मरीजों को जो मर जाते हैं उनको ले जाते हैं। और ये है कोरोना प्रभारी जयवीर यादव, जिनका ये कहना हमारे कोरोना योद्धा इस बार फिर तैयार हो गए। और कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई है 4, 2 रामनगर कॉलोनी के, खतौड़े के, और जो बीते दिन कोरोना से मौत हुई है छुट्टन की, जो कि तिलहर के रहने वाले हैं, जिनकी अंत्येष्टि आज हुई। कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है और आपको एक बार फिर बता दें कि कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मरने वालों की संख्या हुई है 4, 2 रामनगर के मरे और उसके बाद 1 हथौड़ा चौराहे के बाद में थाना तिलहर में उमरपुर के रहने वाले थे छुट्टन, जिनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें 5 तारीख को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और उसके बाद आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती हुए, और आइसोलेशन वार्ड में जब उनको सांस की दिक्कत पैदा होने लगी तो उनको आइसोलेशन कोविड-19 में आप लाया गया। बाखूबी आप देख रहे हैं, जहां पर बीते दिन उनकी मौत हो गई। छुट्टन की 7 लड़कियां हैं, छुट्टन का कोई बेटा नहीं है, इसलिए लड़कियां बिलख बिलख कर रो रही। हालांकि उनके शव को आज तिलहर उमरपुर ले जाया गया, जहां पर दिहाड़े मार मार के परिवार वाले रोए। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना का कहर एक बार फिर जारी हो गया है। सावधानी बरतना होगी, हर हालत में बरतना होगी, वरना अंजाम बुरे हो सकते हैं। कोरोना ने धीरे धीरे पैर पसारने लगा और मेडिकल कॉलेज में मरने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही नजर आ रही है। विस्तार से हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना से मरने वाले के परिवार वालों का क्या हाल होता है बेचारों का, विस्तार से दिखाते।
तिलहर में चुट्टन के शव के पार्थिव शरीर को उमरपुर ले जाया गया, जहां पर उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने के लिए उनके परिवार के लोग आ गए। हालांकि महिलाएं भी आ गईं देखने के लिए, लेकिन पुरुषों ने महिलाओं को दूर हटा दिया और उसके बाद में उनके सुपुर्द खाक की तैयारी चालू हो गई। लेकिन एक बार फिर बता दें कि कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए सावधानी रख। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं।